नमस्कार दोस्तों, आइए आज देखते हैं कुछ कंप्यूटर से जुड़े हुए खास सवाल जो आमतौर पर पूछे जाते हैं। पहला सवाल है कि वो हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ब्रेन यानी कि दिमाग। हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर के वो वाले हिस्से जिनको हम देख और छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर यानी कि जिनके कार्यों को हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख छू नहीं सकते। जैसे उसके अंदर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम है कोई, तो वो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसमें ऑप्शंस में काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। जैसे पहला ऑप्शन है रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी है और ये अस्थाई मेमोरी है। तेज़ स्पीड से काम करती है पर अस्थाई है। इसे ब्रेन नहीं कहते, ये तो स्मृति है। ब्रेन की बात करें तो वो होता है ऑप्शन सी, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो वो उसका ब्रेन कहलाता है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, दूसरा सवाल है आपका। बग का मतलब होता है एरर, कोई खराबी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, या एरर बोलते हैं उसको, मतलब बग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है। तो कंप्यूटर को जब भी किसी नेटवर्क कनेक्शन से जोड़ना होता है तो कई बार टेलीफोन लाइनों का उपयोग किया जाता है और ये काम मॉडेम के द्वारा होता है। मॉडेम को का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटिंग एंड डीमॉड्यूलेटिंग डिवाइस। तो ये कंप्यूटर के सिग्नल्स को टेलीफोन लाइन में कन्वर्ट करता है और टेलीफोन लाइन के सिग्नल्स को फिर से कंप्यूटर के सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यानी परिवर्तित करता है, तो मॉडेम है। तो इंटरनेट से आप मॉडेम के जरिए जुड़ते हैं। अगला सवाल है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है। तो पहला कंप्यूटर, ये दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था, अंकीय कंप्यूटर यानी कि डिजिटल कंप्यूटर। तो दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर था ENIAC। और अगर हम लोग ऐसे पहले कंप्यूटर की बात करें तो वो ABACUS होता है, लेकिन वो डिजिटल नहीं था। तो डिजिटल कंप्यूटर की बात करें दुनिया की तो वो हुआ ENIAC। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा WWW का सही रूप है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, ये WWW का सही रूप है और इसे टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। इसी के द्वारा आप नेट से कनेक्ट होते हैं। CPU का क्या अर्थ है? तो CPU का अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। अगला सवाल, सातवां सवाल, कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है। तो पेंटियम ब्रांड आप सुनते होंगे, ये IBM कंपनी का है और इसके माइक्रो प्रोसेसर बेचे जाते हैं। मतलब माइक्रो प्रोसेसर यानी कि वो कंप्यूटर के CPU होते हैं। तो CPU या उसे माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, वो पेंटियम ब्रांड के काफ़ी आते हैं। WWW के आविष्कारक और संस्थापक टिम बर्नर्स-ली, ये पहले ही बात हो गई है। नौवां सवाल है कि इनमें से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है। तो साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण, मॉडेम, ये सब दिया हुआ है, जिसमें कि क्लियर कट है कि साइबर स्पेस, अपलोड और मॉडेम तो है ही। मॉडेम से आप टेलीफोन लाइन से जुड़ते हैं जिसके द्वारा इंटरनेट से जुड़ते हैं। साइबर स्पेस यानी इंटरनेट जगत को हम लोग साइबर स्पेस बोलते हैं और किसी डेटा को इंटरनेट पे ऊपर डालने को अपलोड करना कहते हैं। प्रकाश भंडारण सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, ये आपका दसवां सवाल है। तो पहले बड़े बड़े वॉल्व लगे होते थे, उसके द्वारा गणना की जाती थी। तो ये जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर आए थे उनमें लगे होते थे। अगला 11वां सवाल है कि अनुपम क्या है। अनुपम क्या है? तो अनुपम है एक सुपर कंप्यूटर। तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। 12वां सवाल है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किन संस्था ने किया है। तो परम भी सुपर कंप्यूटर की ही एक सीरीज है। इसका विकास CDAC ने किया है। CDAC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये पुणे में स्थित है।
अगला सवाल है, 13वां सवाल, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई होती है बिट, 8 बिट का मिला के 1 बाइट बनता है, फिर 1024 बाइट का 1 किलोबाइट, फिर 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट, और इस तरीके से आगे सीरीज चलती है। और जो 1 बिट होता है वो या तो शून्य हो या एक होता है, तो शून्य और एक यही इसी की भाषा कंप्यूटर समझ भी पाता है। 14वां सवाल कहता है कि कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो भारत में जो अनुपम सीरीज आई थी उसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया था। 15वां सवाल है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट में व्यक्त की जाती है। तो 1 बाइट बना होता है, अभी हमने बात करी है कि 8 द्विधारी अंकों का, यानी कि 8 बिट्स का, तो 8 बिट मिला के 1 बाइट बनता है। द्विधारी अंक मतलब कि बाइनरी अंक, बाइनरी अंक यानी कि शून्य और एक, इनका मिला के या तो शून्य होगा या तो एक होगा, और उसमें एक को बोलते हैं ऑन और शून्य को बोलते हैं ऑफ। तो ये बोर्ड के ऊपर स्विचिंग इस तरीके से काम करती है। 16वां सवाल है कि स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम कंप्यूटर से संबंधित है। कोई अनवांटेड चीज़ आपके मोबाइल पे अगर बार बार आती है, कोई अनवांटेड संदेश, कोई अनवांटेड ईमेल या कोई भी इस तरह की चीज़, तो उसे हम स्पैम कहते हैं। 17वां सवाल है कि डेटा के प्रेक्षण की गति को मापने के लिए सामान्यतः कौन सी यूनिट का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो सामान्यतः हम लोग बिट प्रति सेकंड का प्रयोग करते हैं डेटा को सेंड करने की स्पीड को नापने के लिए।